दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्मों में इतनी अधिक ताकत, इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इंसान का जन्म किस घर परिवार में होगा, कौन उसके रिश्तेदार बनेंगे, यह सब भी केवल और केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य जन्म के पश्चात उसे जो कुछ भी मिलता है, गरीब घर या फिर आलिशान बंगला, सारे रिश्ते नाते जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटी, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। जिन लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता जुड़ता है, ये वही लोग हैं जिनसे हमारा कभी ना कभी किसी जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए इस जन्म में वे फिर से हमारे रिश्तेदार बनकर आते हैं। कर्मों के इसी खेल को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और ईश्वर में आस्था रखने वाला था। उसने नगर के बीचों बीच ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और एक विद्वान ब्राह्मण को उस मंदिर में पुजारी नियुक्त किया। वह पुजारी सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा और मंदिर की देखभाल करता था। निर्धन होने के बावजूद भी पुजारी ने राजा से कभी कुछ नहीं मांगा। पुजारी के आचरण और उसकी सेवा से राजा भी बहुत प्रसन्न था। समय का पंछी इसी तरह उड़ता रहा और ठाकुर जी की कृपा से राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने पुत्र को सभी प्रकार की शिक्षाएं दिलवाई और युवा होने पर राजकुमार का विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ करवाया। शादी की पहली रात राजकुमारी राजकुमार के साथ उसके कमरे में थी, लेकिन काफी रात बीत जाने पर भी राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह कमरे में ही इधर उधर चक्कर काटने लगी। तभी राजकुमारी ने देखा कि उसी कमरे में सोने से निर्मित एक बड़ी सी तलवार रखी थी। राजकुमारी ने उत्सुकतावश उस तलवार को अपने हाथ में लिया, लेकिन तभी तलवार में से एक बिजली कौन थी और तलवार तेजी से उछलकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। गर्दन पर तलवार गिरते ही राजकुमार की गर्दन कट गई और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति को मृत देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई। वह यह सोचकर घबराने लगी कि यदि वह तलवार की सच्चाई किसी को बताएगी भी तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ ही देर में सूर्यदेव आसमान में विराजे। अब तो राजकुमारी जोर जोर से विलाप करने लगी। राजकुमारी का विलाप सुनकर राजा और उसका मंत्री राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। वहां राजकुमार को मृत देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसके शव से लिपटकर रोने लगा। उसने राजकुमारी से पूछा, मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? राजकुमारी रोते रोते कहने लगी, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। मैं उस हत्यारे को नहीं जानती, लेकिन मैंने उस हत्यारे को ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते हुए देखा था। राजकुमारी ने साफ झूठ बोल दिया। यह सुनते ही राजा तुरंत मंदिर पहुंचा। उस समय पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था। पुजारी को देखते ही राजा क्रोध से चिल्लाया, पकड़ लो इस हत्यारे को। राजा का हुक्म होते ही सिपाहियों ने तुरंत पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। पुजारी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो मंदिर में ठाकुर की सेवा कर रहा था। लेकिन अपने बेटे के शोक में दुखी राजा ने पुजारी की कोई बात नहीं सुनी और क्रोध में आकर सिपाहियों से बोला, पुजारी के जिस हाथ ने मेरे बेटे की हत्या की है उस हाथ को तुरंत काट दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और पुजारी का दायां हाथ काट दिया गया। हत्या का दोष लगने से और हाथ कट जाने के कारण पुजारी इतना ज्यादा दुखी हुआ कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया। चलते चलते वह भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचा। काशी नगरी का पवित्र वातावरण पुजारी के मन को बहुत भाया और वह वही निवास करने लगा। उसी काशी नगरी में एक बहुत बड़े ज्योतिष भी रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह मनुष्य का मस्तक देखकर उसका भूत भविष्य और यहाँ तक कि उसके पूर्व जन्म के विषय में भी सब कुछ बता देते थे। पुजारी ने जब उस ज्योतिष के बारे में सुना तो वह भी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ज्योतिष के घर पहुंचा। जैसे ही पुजारी ज्योतिष के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि ज्योतिष की पत्नी
उसका बहुत तिरस्कार कर रही थी और अपमान से भरे हुए कटु वचन बोल रही थी, और ज्योतिष चुपचाप अपनी पत्नी के कड़वे वचन सुन रहा था। जब ज्योतिष ने अपने द्वार पर पुजारी को देखा तो वह चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उसने पुजारी से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? पुजारी ने कहा, महाराज मैं तो आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर देखा कि आप तो खुद ही बहुत दुखी हैं। हे महाराज, आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार क्यों कर रही थी? ज्योतिष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी पत्नी मेरा अपना ही कर्म है और मैं अपने ही कर्मों का भुगतान कर रहा हूँ। इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, वे सब मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। हमारे ये सभी रिश्ते अपने पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए इस जन्म में हमारे पास आते हैं। मेरी पत्नी भी मुझसे अपने कर्मों का हिसाब किताब ही कर रही है। पुजारी ने हैरानी से पूछा, हे प्रभु, आखिर आपने ऐसा कौन सा पाप किया था? ज्योतिष ने उत्तर दिया, सुनो ब्राह्मण, अपने पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक घोड़ी थी। एक दिन उस घोड़ी की पीठ पर एक घाव हो गया और उस घाव में छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों को खाने के लिए मैं घोड़ी की पीठ पर जा बैठा और अपनी चोंच से उस घाव को कुरेद कर कीड़े खाने लगा। ऐसा करने से वह घोड़ी दर्द से तड़पने लगी, लेकिन मैं घोड़ी को तड़पते देख कर भी उसके घाव पर तेजी से चोंच मारता रहा और मेरी चोंच उसकी पीठ में अंदर तक घस गई, जिस कारण घोड़ी को असहनीय दर्द हुआ। उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह घोड़ी गंगा नदी में प्रवेश कर गई और नदी में डूबकर मेरी और घोड़ी की मृत्यु हो गई। गंगा नदी में मृत्यु होने के कारण इस जन्म में वह घोड़ी ब्राह्मणी बनी और मेरा जन्म एक विद्वान ज्योतिष के रूप में हुआ। अपने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए वह ब्राह्मणी इस जन्म में मेरी पत्नी बनी। जिस प्रकार अपने पूर्व जन्म में मैंने उसे चोंच मार मार कर दर्द दिया था, उसी प्रकार इस जन्म में वह हर रोज मेरा अपमान करके मुझे दर्द दे रही है। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैं अपने ही कर्मों का भुगतान कर रहा हूँ। अब आप अपनी बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? तब पुजारी ने ज्योतिष को राजा की और अपना हाथ कटने की सारी घटना सच सच बता दी और पूछने लगा, मेरे किस कर्म के कारण मुझ निर्दोष का हाथ काट दिया गया? यह सुनकर ज्योतिष ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर के बाद उसने अपने नेत्र खोले और कहा, सुनो ब्राह्मण, उस राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं कटवाया, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों ने ही तुम्हारा हाथ काटा है। सुनो भाई, यह घटना तुम्हारे पिछले जन्म की है। उस जन्म में तुम एक महान तपस्वी थे। वह राजकुमारी उस जन्म में एक गाय थी और वह राजकुमार एक कसाई था। एक दिन वह कसाई गाय को मारने के लिए जा रहा था और गाय अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते वह गाय तुम्हारे सामने से गुजरी। गाय को ढूंढते ढूंढते वह कसाई भी तुम्हारे पास आ पहुंचा और पूछने लगा, महाराज वह गाय कौन सी दिशा में गई है? तुमने उत्तर में अपना दाहिना हाथ उठाया और इशारे से कहा, गाय इस दिशा में गई है। यह सुनते ही कसाई भी उसी दिशा में भागा और तेज हथियार से गाय की हत्या कर दी। तभी वहां जंगल का शेर आ पहुंचा और उसने कसाई को मार डाला। अपने किसी पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण इस जन्म में उस कसाई ने राजकुमार तथा गाय ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और उस तपस्वी ने पुजारी के रूप में अर्थात तुम्हारे रूप में जन्म लिया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान करने के लिए इस जन्म में वह राजकुमारी उसी राजकुमार की पत्नी बनी तथा राजकुमारी की तलवार से राजकुमार की मृत्यु हुई। इस प्रकार उस राजकुमारी का पिछले जन्म का बदला पूरा हुआ। अपने पूर्व जन्म में जिस हाथ से तुमने इशारा किया था और गाय को मरवाया था, तुम्हारे उस पाप कर्म का दंड तुम्हें इस जन्म में मिला और निर्दोष होते हुए भी तुम्हारा वही दाहिना हाथ कटवा दिया गया। इसलिए हे ब्राह्मण, यह सब तो तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। इसमें राजा का या उस राजकुमारी का कोई दोष नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल आज नहीं तो कल कभी न कभी
इस जन्म में या फिर किसी और जन्म में भोगना ही पड़ता है। ऐसा कहकर वह ज्योतिष खामोश हो गया। वह पुजारी ज्योतिष की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने ज्योतिष के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चला गया। आज उसे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। धन्यवाद। तो दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो कुछ भी करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, पैसे देते हैं, या फिर किसी को धोखा देते हैं, दुख देते हैं, तो वही आत्मा कभी ना कभी किसी और जन्म में अपना हिसाब पूरा करने के लिए हमारा रिश्तेदार बनकर अवश्य आती है। यदि आपका कोई भी रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है, तो समझ जाना कि आपने भी कभी ना कभी उसे बहुत तड़पाया होगा, उसे बहुत दुख दिए होंगे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, और यह सोचकर आप उसे मन ही मन माफ कर देना, ताकि इसी जन्म में उसके साथ आपका हिसाब किताब पूरा हो जाए। धन्यवाद।